महिलाएं हमारे साथ में उनसे बात करते हैं जो प्रधानमंत्री को सुनने का सुबह से इंतजार कर रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहां से आ पाई हैं? कंचन कोंदू गांव से। तो आप किसका इंतजार कर रही हैं यहां पर? मोदी जी और योगी जी का। राम मंदिर का मुद्दा इस बार चलेगा, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 22 जनवरी को, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम मंदिर का भी मुद्दा इस बार असर दिखाएगा। आप ये बताइए कि आपका नाम है, कहां से आए हैं और कब से इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का? मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ और सुबह 9 बजे मैं यहाँ पहुँच चुका था। मोदी जी को सुनने का इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी के सुनने के लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं सुबह से ही। अभी सर्दी में हम वहाँ से आए हैं, काफी सर्दी थी, मोदी जी का इंतजार करते हुए हमें 4 घंटे हो गए मोदी जी आने वाले। गाजियाबाद से निकले हम। कुछ महिला और हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम है, कब से आप इंतजार कर रही हैं मोदी जी या योगी जी के आने का? काफी टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, इंतजार ही कर रहे हैं, पता ना कब आएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनसे? जय श्री राम। राम मंदिर बन गया, क्या लग रहा है आपको इस बार असर दिखाएगा राम मंदिर का मुद्दा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाएगा भाई, सबके मन में बसे हुए हैं राम, बिल्कुल दिखाएगा। तो कुछ महिला थी यहाँ पर और भी लोग, उनसे बात करते हैं यहाँ पर। ये बताइए कब से आप इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का जनसभा में? अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया है, इसलिए सुनने का इच्छुक है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है बुलंदशहर की धरती पर। 2014 में भी पहली रैली उन्होंने बुलंदशहर से ही शुरू करी थी और आज 2024 में भी पहली रैली वो बुलंदशहर से ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह से ही सुनने के लिए बेताब इंतजार कर रहे हो। साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों पर मंच पर जो तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और इस समय जो डॉक्टर महेश शर्मा है वो अपना संबोधन दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण में शिलान्यास करने जा रहे हैं। बात करें प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। अनुभव शर्मा, एबीपी न्यूज बुलंदशहर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।